हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं और खाना वगैरह सब बन गया है फ्रेंड्स, और हम लोग खाना खा चुके हैं। हमारे घर में सब लोग खाना खा चुके हैं और खाए वो बर्तन भी धुल गया, पर एक दो बर्तन हैं जो मेन पड़े हैं अभी। शायद इधर से भैया लगता है मेरे जा रहे थे, तो भैया पापा कोई होते ही हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा मसूर करने में। अभी थोड़ा सा नई जगह है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा ही। तो देखिए, हमारी किचन वगैरह हो चुकी है क्लीन। रात को तो ऐसे भी पता है आपको कि मैं कहीं भी रहती हूँ तो अपना किचन ज़रूर क्लीन करके बर्तन वगैरह धुल के तभी सोती हूँ। तो ये सब तो आप लोगों के साथ हम अपना हर बार रूटिंग शेयर किए, पर यहाँ का नहीं किए थे तो आपको आपसे कर रहे हैं थोड़ी। लेकिन आप लोग इसे फुल वॉच करना, मैं थोड़ी ही ब्लॉग बना पाई हूँ तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं करना, थोड़ा सा देखना, ज़रूर देखना, सपोर्ट करना फ्रेंड्स। तो ये है हमारे कुछ इस तरह से रात का टाइम है, 8 बज रहे हैं और कभी फिर इसके बाद भी लाऊंगी फ्रेंड्स आप लोगों के साथ। मैं पूरी अपनी इवनिंग की भी ब्लॉग शेयर करूंगी, इवनिंग टू नाइट की। तो ये भी आप लोगों के साथ, और मॉर्निंग का भी आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूंगी यहाँ का। तो आप लोग प्लीज़ हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करना और अपना सपोर्ट शेयर बनाए रखना फ्रेंड्स। अभी थोड़ा सा नया जगह है, अपने थोड़ा सा लोग एडजस्ट होने में थोड़ा सा हमें टाइम ज़रूर लगेगा। तो मुझे प्रॉपर ढंग से भी सब कुछ करना है अपना, तो मैं किसी तरह से अभी वीडियो बना रही हूँ, फिर मैं अपना फिर आ जाऊँगी रेगुलर रूटीन पर। अभी थोड़ी सी दिक्कत थी लेकिन अब नहीं होगी। अब आप लोगों के पास मेरा हर वक्त का रूटीन जाएगा। मैं जैसे काम करूंगी, जो भी करती हूं, जिस तरह से रहती हूं, तो वहां का रहन सहन आपने देखा। अब यहां का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरा दिन कैसे गुजरता है, किस तरह से जाता है, पूरा दिन कैसे बीतता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग इस ब्लॉग को फुल वॉच करोगे तो आई होप आप लोगों को हमारे ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो हमारी बर्तन फाइनली धुल चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं मैं धो चुकी हूँ अब बर्तन। उसके बाद में मेरा काम ख़त्म हो गया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किचन को क्लीन करती हूँ और अपना सारा चीज़ जगह पर रख दूँगी, और उसके बाद जाऊँगी मैं अपने रूम में। अभी थोड़ा सा फ्रेंड्स सीजन है, बारिश का टाइम है, तो प्रेसो की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। कभी पॉडी ही होने लग रही है, कभी उनको फीवर भी आ जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे दूध का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चीज़ दूध का है। यहाँ पे गाय की दूध बहुत जल्दी मिल ही थी, मतलब मिलने के लिए मिलती है, पर हम बाहर अभी नहीं जाते हैं, इसी वजह से दिक्कत है। नहीं तो अगर हम वहाँ की तरफ बाहर जाते तो ज़रूर हमको कोई दूध वाले वैसे मिल जाते, और बच्चों के साथ यही सब प्रॉब्लम हो जाती है। कोई भी चीज़ उनका चेंज हो जाता है तो सीधे उनके सेहत पे असर पड़ता है, और सेहत पे पड़ता है तो किसको झेलना होता है, उनकी माँ को झेलना होता है। तो बच्चे को अगर कुछ होता है तो आखिर बच्चा परेशान होता है तो माँ भी परेशान होती है। तो थोड़ा सा भी प्रेसो की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और ब्लॉग वगैरह सही से नहीं डाल पा रही हूँ। तो यही है फ्रेंड्स, अभी देखिए हमारी फैमिली बर्तन वगैरह धो चुके हैं, तो मैं को अच्छे से पूरा पानी वानी से हटा करके और उसे पोंछ दूँगी, पोंछ के सुखा दूँगी। और सिंक, आपको हमेशा से पता है कि मैं बर्तन धुलती हूँ तो सिंक को भी लगे हाथ धो ही देती हूँ, तो मैंने सिंक को भी धो दिया। नल वगैरह जो भी थी, जितना साफ़ कर सकती थी उसे रगड़ के क्लीन करती हूँ, और बाकी और भी कोई चीज़ किचन में दिखे तो सबको इग्नोर करना फ्रेंड्स, क्योंकि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैं अकेली नहीं रहती, जो आपको अपने तरीके से प्रॉपर ढंग से हर कुछ एडजस्ट करके दिखाऊंगी। तो जिस दिन
होगा सबका, तो देखा जाएगा। तो ये फ्रेंड्स देखिए, हमारी किचन की एरिया कुछ इस तरह से, अब सिंक से लेकर के गैस से लेकर के हर कुछ क्लीन हो गया। सब जगह पे बर्तन वगैरह धुल करके भी जगह पे सेट कर दी हूँ। और ये है चना, सुबह के लिए चना और मूंग पापा के लिए फुलाया गया है। और ये है रोटी बची हुई और सेवई है फ्रेंड्स, उसे मैं ढक दूँगी। और सब ऐसे भी कहते हैं कि रात में ज़रूर रोटी और सब्ज़ी थोड़ा सा एक टिफ़िन में करके एक गिलास पानी ज़रूर रख देना चाहिए हमारे, क्योंकि हमारे पूर्वज पितर जो होते हैं वो ज़रूर आते हैं, तो उनके लिए तो रखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा सारा काम खत्म हो गया, मैंने लाइट वाइट ऑफ कर दी और मैं आ गई हूँ अब अपने रूम में। तो मैं अपने रूम को लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं अभी ज़्यादा परेशान, देखिए मैं आ गई हूँ अपने रूम में फ्रेंड्स, अब मैं बैठ जाती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। अभी हमारे हस्बैंड जी भी हमारे रूम में हैं, तो थोड़ा सा सा तो है कि मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मैं मोबाइल रिकवर करके बता दे रही हूँ आप लोगों को कि मेरे हस्बैंड जी भी इस वक्त रूम में मौजूद हैं। और हमारी बेटी जी की तबीयत ख़राब है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग इसी बीच मेरा सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग अपना मेरा साथ नहीं छोड़िएगा। बाकी मैं आप लोगों के साथ अपना रेगुलर का रूटीन लेके आती रहूँगी। अब बाकी आप लोग जैसे सजेस्ट करते हो कि ब्लॉग इस तरह की ब्लॉग लेके आओ, तो मैं लेके आऊँगी। तो ये हो चुकी है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ किचन में फ्रेंड्स। और ये देखिए मॉर्निंग में पापा का रूम है, ये पापा का रूम सही करके सब सोफ़ा वगैरह सब कुछ सही करके, और मैं लगा रही हूँ पापा के रूम में झाड़ू। ये सुबह का टाइम है, तो किचन वगैरह में सब कुछ लगा ली हूँ, दरवाज़ा पे भी पानी डाल दिया है, और यहाँ पे उनका रूम का सोफ़ा और बेड है वो सब कुछ झाड़ करके सही करके और उनका झाड़ू लगा लूँगी। और उसके बाद पूरे घर में वैसे लग चुकी थी, बस इन्हीं का रूम बचा हुआ था, तो पापा शायद नीचे गए थे तो मैं कर ली। तो थोड़ा सा इसी दौरान ब्लॉग भी शूट कर लिया। तो ये हमारी बालकनी है फ्रेंड्स, तो बालकनी में भी झाड़ू लगाते हैं, तो मैं देखिए सारा कर किया, फिर बालकनी में भी झाड़ू लगा रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ वहाँ का भी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपका आज का हमारा ये ब्लॉग, मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की हूँ। अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को जरूर, जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मुझसे सीधे आप तक पहुँचे। और प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रहना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।